चीन की एक और परमाणु पनडुब्बी के हादसे का शिकार होने की खबर से पूरी दुनिया टेंशन में है, और साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चीन के बीच कैसे बढ़ रहा है टेंशन का माहौल। ईरान ने अब कमन 19 ड्रोन का प्रदर्शन कर दिखाई है ताकत। वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। ग्लोबल टेंशन के बीच पूरे रूस में इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम का टेस्ट किया गया है। सायरन रेडियो टीवी के जरिए ये वार्निंग टेस्ट किया गया। दरअसल न्यूक्लियर अटैक एक्सरसाइज के बाद हर इलाके में पब्लिक वार्निंग सिस्टम की तैनाती की गई है। चीन की एक और परमाणु पनडुब्बी के हादसे का शिकार होने की खबर है जिसमें 55 नौसैनिकों की मौत हो गई है। ब्रिटेन के खुफिया रक्षा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन के शेंडोंग प्रांत के पास येलो सी में यह हादसा हुआ है। चीन ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चीन के जहाज एक बार फिर आमने सामने आ गए। सीनेट अध्यक्ष मिग्ज जुबिरी ने इसका एक वीडियो पत्रकारों को भेजा है जिसमें चीनी तटरक्षक बल के जहाज फिलीपींस के आपूर्ति मिशन के खिलाफ खतरनाक युद्धाभ्यास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने कमन 19 ड्रोन का प्रदर्शन किया है। इस ड्रोन को ईरानी सेना ने बनाया है। दावा किया जा रहा है कि कमन 19 ड्रोन ईरान के कामिकाजी से भी घातक ड्रोन है। ईरान ने पहली बार कमन 19 ड्रोन की इस तरह की तस्वीरों को सार्वजनिक तौर पर जारी किया है। चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति पेट्र पावेल ने यूरोपीय देशों से अपील की है कि जिसमें कहा गया है कि हथियारों को लेकर अमेरिका पर निर्भरता कम करे यूरोप। यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने होंगे। अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता यूरोप के लिए खतरा साबित हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को समर्थन देने के मुद्दे पर अपने प्रमुख सहयोगी देशों के नेताओं से फोन पर बात की, क्योंकि यूक्रेन के लिए अमेरिकी फंडिंग का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में इस बात की जानकारी दी और कहा कि यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी सहायता नहीं रोक सकते। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने G7 और नाटो नेताओं से कहा कि यूक्रेन को मानवीय, आर्थिक और सैन्य सहायता देना जारी रखेंगे और जब तक जरूरी होगा वो यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। सभी नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने में रणनीतिक रूप से गलत अनुमान लगाया है। रूस ने क्रीमिया में यूक्रेनी नेपच्यून मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है। बीती रात यूक्रेन ने क्रीमिया पर नेपच्यून मिसाइल से हमला किया था जिसे रूस ने मार गिराया। यूक्रेनी मिसाइल का मलबा सेवस्तोपोल में गिरा है। रूस के दावे पर यूक्रेन की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया है। ईरान ने सैन्य परेड के जरिए एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। इस दौरान लंबी दूरी के मिसाइल के साथ नए लड़ाकू और आत्मघाती ड्रोन का भी प्रदर्शन किया। अत्याधुनिक हथियारों के साथ इसराइल को तबाह करने की धमकी दी गई है।